जय हिंद दोस्तों, पीसीडीए ने एक सर्कुलर जारी किया। उन्होंने उसमें बहुत सारी चीजों का क्लेरिफिकेशन दिया कि आपका पेंशन एरियर मिलेगा, उसकी कुछ कंडीशंस, उसकी कुछ शर्तें चेंज हैं। आइए हम बात करते हैं जो सर्कुलर सरकार के निर्देश पर पीसीडीए ने जारी किया है, कब जारी किया है, क्या सब्जेक्ट है और इससे हमारे जवानों को या पेंशनर्स को, उनकी फैमिलीज को क्या फायदा है। आइए हम बोर्ड के जरिए इस सर्कुलर के बारे में समझते हैं। सर्कुलर नंबर 226 यानी 226 पीसीडीए ने जारी किया 15/7/2022 को। क्या सब्जेक्ट है? पेमेंट ऑफ एरियर्स ऑफ पेंशन, यानी पेंशन राशि का भुगतान, यानी जो भी आपका भुगतान, यानी पीछे का जो एरियर है, यदि आपका कहीं भुगतान नहीं होता है तो वो किस किस कंडीशन में भुगतान होगा, उसके ऊपर पूरा इंग्लिश में है। मैं आपको पीडीएफ इसकी भेज रहा हूं, आपके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, स्क्रीनशॉट आप स्क्रीन में देख सकते हो, और जो भी हिंदी अनुवाद है मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप समझिए। उसमें लिखा है यदि आपकी पेंशन किसी कारणवश बंद हो गई है या भुगतान नहीं हो पा रहा है तो 12 महीने के बाद पीसीडीए आपकी पेंशन बंद कर देगा या कर देता है। इसको दोबारा चालू करने के लिए आपने क्या करना है और किस वजह से पेंशन बंद होती है, पहले उन कारणों का हवाला भी दिया है। कारण नंबर एक, पुलिस केस। यदि आप पेंशनर हैं, आपके साथ कोई पुलिस केस हो जाता है, आपराधिक मामला बन जाता है, आपको जेल होती है, उस समय आपकी पेंशन बंद होती है या पेंशन आपकी फैमिली पेंशन में कन्वर्ट हो जाती, कुछ हिस्सा आपके परिवार के लिए मिलता है। जब आप इसको वापस रिकवरी करना है तब क्या कार्रवाई होगी, इसके संदर्भ में बताया। दूसरा, मृत्यु होने पर, पेंशनर्स की मृत्यु होने पर यदि आपकी फैमिली पेंशन में कन्वर्ट होती है, बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन की प्रक्रिया है, वाइफ का नाम नम कहीं बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, उसमें एक पेंशन नहीं मिलती है, 12 महीने तो रुक जाती, बंद हो जाती है, तो उसको दोबारा चालू करने के लिए क्या प्रक्रिया है, उसका हवाला दिया है। आप खुद स्वयं लाइफ सर्टिफिकेट या और कोई चीजें नहीं सबमिट कर पाए, उसकी वजह से हुआ है, या ऑफिसर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो जाती है, इन सब के लिए उन्होंने दो फॉर्म दिए हैं, IAFA CDA 651 और 652 का हवाला दिया है कि पहले क्या फॉर्मेलिटी थी फॉर और रीड, अब आपने क्या फॉर्मेलिटी करनी है, कौन से डॉक्यूमेंट हैं जो लगा करके देना है। यदि पुलिस का आपराधिक मामला है तो पुलिस से आपने वो सर्टिफिकेट चाहिए कि अभी प्रेजेंट में क्या हो रहा है, या कोर्ट का कोई मामला है उसके डॉक्यूमेंट चाहिए, या बाकी और कंडीशंस हैं उनमें आपके क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, वो आप फॉर्मेट 651-652 के जरिए पीसीडीए में सबमिट करिए और आपका जो रुका हुआ पैसा है वो एरियर के साथ आपके बैंक में क्रेडिट होगा या पीसीडीए CPPC या स्पर्श के साथ है, उस दिशा निर्देश अनुसार आपका जो पैसा है आपके खाते में आएगा। दोस्तों, ये थी पेमेंट ऑफ एरियर ऑफ पेंशन का सर्कुलर की जानकारी। इस सर्कुलर की पीडीएफ आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसको समझिए इंग्लिश में, हिंदी में ट्रांसलेट करके भी समझ सकते हो। यदि कोई क्वेरी है तो मेरे नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो, हम आपका जवाब देने के लिए भरसक प्रयास करेंगे। धन्यवाद।